तो बाजार में जो फर्म है, चूंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार है, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में क्या होगा कि वो देखो उनका उद्देश्य क्या है, लाभ को अधिकतम करना। अब लाभ को अधिकतम करना है तो कोई भी कम रेट में नहीं बेचना चाहे, है ना, अपन यही बात कर रहे हैं। लेकिन जब किसी के पास माल का अतिरेक हो जाए तो वो कम रेट करके बेच सकता है, अलग बात है। यानी बाजार कीमत से कम मूल्य में वो बहुत ज़्यादा माल बेच सकता है, लेकिन चूंकि बाजार पूर्ण प्रतिस्पर्धी है तो उनको मालूम है कि कोई भी कम रेट में नहीं बेच रहा है। उनको ये पता है कि कोई भी कम रेट में नहीं बेच रहा, सारे 20 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो कोई क्यों करके 15 रुपये किलो बेचेगा। अब अगर तो उसने 20 रुपये किलो में ही टमाटर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कोई भी जो विक्रेता है अपना नुकसान नहीं चाहता है और वह वस्तु को बाजार में प्रचलित कीमत पर बेचना चाहता है। बाजार में प्रचलित कीमत पर यानी बाजार मूल्य पर, बाजार मूल्य, ठीक है, बाजार में जो प्रचलित मूल्य होता है उस पर बेचना चाहता है। वो क्या है, अपने लाभ को भी अधिकतम करना है। उसका उद्देश्य क्या है, फर्म का उद्देश्य क्या होता है, लाभ को अधिकतम करना। और कई बार क्या होता है कि फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए क्या करती हैं, कुछ भी करती हैं, मनमानी भी करती हैं, रेट बढ़ाएंगी, विज्ञापन देंगी, प्रचार प्रसार करेंगी, कई सारी चीज़ों के आप जो विज्ञापन देखते हो ना, विज्ञापन क्यों आते हैं टीवी में और जो सोशल, आजकल तो मोबाइल में, अगर अपन यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसमें भी ऐड आते हैं, है ना। तो ऐड के माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहते हैं, क्यों, अपने लाभ को अधिकतम करने, ठीक। अब इसी तरह जो क्रेता है, क्रेता की भी क्या प्रवृत्ति है, खरीदार की क्या प्रवृत्ति है, कि उसको सामान कम से कम रेट में मिले, वो सामान कम से कम रेट में देना खरीदना चाहेगा ना। यानी बाजार में जो प्रचलित दर है उस दर से भी वह चाहता है कि कम रेट में सामान मिले। यानी बाजार में 20 रुपये किलो टमाटर है तो वो कोशिश क्या करेगा कि 15 रुपये किलो मिल जाता है। तो विक्रेता की जो प्रवृत्ति है वो काय की है, लाभ को अधिकतम करने की, इसलिए वो बाजार मूल्य से कम मूल्य में तो बेचेगा ही नहीं, भले ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा तो उसका माल बिना बिका रह सकता है, तो फिर मजबूरी क्या हो गई कि बाजार मूल्य में ही बेचो, जो रेट बिक रहा है उसी रेट में बेचो, ठीक है। अब इसी तरह जो क्रेता है, क्रेता की कोशिश होती है कि वह अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा ले या कम से कम रेट में सामान मिल जाए, यानी बाजार में प्रचलित दर से कम रेट में खरीदने की प्रवृत्ति होती है। गाँव में कोई आता है फेरी वाला, उसको अपन बुलाते हैं। अब देखो वहाँ पर अब आपकी गरज नहीं है, है ना, वो रोड रोड घूम के बेच रहा है, तो फिर आप क्या करते हो, सामान को कम से कम रेट में मांगते हो। सलवार सूट उन्होंने बोला ये 500 रुपये का, आप कहोगे 200 में दे रहा है, नहीं देता तो जा, सही है ना। तो क्रेता की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, पैसे बचाने, और विक्रेता की प्रवृत्ति है लाभ को अधिकतम करने, लेकिन अधिकतम करने के लिए ज़्यादा कीमत लेगा तो उसका माल बिकेगा नहीं, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, बाजार मूल्य पर ही बेचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बाजार कौन सा है, अपना पूर्ण प्रतिस्पर्धी है, अपन पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की बात कर रहे हैं जहाँ पर कि बहुत सारे क्रेता विक्रेता हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस व्यक्ति को जो बाजार मूल्य से कम मूल्य देना चाहता है उसको वस्तु इच्छित मात्रा में नहीं मिलेगी। इच्छित मात्रा मतलब जितनी मात्रा में वो लेना चाहता है, या हो सकता है मिलेगी, भाई बाजार में 20 रुपये किलो चल रहा है और आप अगर 10 रुपये किलो में टमाटर लेना चाहोगे तो हो सकता है कि आपको टमाटर मिले ही ना, है ना, सबके पास एक जैसा माल है और एक जैसा है इसलिए एक जैसा रेट है। तो जो क्रेता बाजार मूल्य से कम मूल्य देने की कोशिश करेगा उसको सामान हो सकता है कि उसकी इच्छा अधूरी रह जाए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति ना, ये क्लियर हो गया। तो ये है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार जिसमें कि लाभ अधिकतम करना उनका उद्देश्य होता है, लेकिन चूंकि प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है इसलिए बाजार मूल्य पर ही सामान उनको बेचना पड़ता है। अब हम आते हैं संप्राप्ति, संप्राप्ति या हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी वस्तु का विक्रय करके एक विक्रेता जितना पैसा उसके पास आता है, जितने पैसे की वो प्रत्याशा करता है, वो उसको कहते हैं रेवेन्यू, या हम इसको क्या कहते हैं हिंदी में संप्राप्ति कहते हैं। संप्राप्ति के अलावा एक और शब्द है जिसको हम कहते हैं आगम, क्या कहते हैं आगम। तो संप्राप्ति और आगम एक ही चीज है। अब मान लीजिए कि मेरी गारमेंट फैक्ट्री है, गारमेंट फैक्ट्री है, मैं शर्ट बनाता हूँ,
अब मान लो कि मैंने एक महीने में 1000 शर्ट बनाई, कितनी 1000 शर्ट, और प्रत्येक शर्ट को मैंने 200 रुपए के हिसाब से बेचा है, ठीक है। मूल्य क्या है? मूल्य है 200 रुपए। तो मेरी संप्राप्ति कितनी हो जाएगी महीने भर की? तो संप्राप्ति बराबर उत्पादित वस्तु की मात्रा यानी निर्गत की मात्रा। तो निर्गत हमारा कितना है, इसको हम क्या बोलेंगे? निर्गत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्गत। यानी एक उत्पादक जितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन करता है उसको हम कहते हैं निर्गत। तो निर्गत की मात्रा, इसमें हम गुणा कर देते हैं प्रति इकाई जो मूल्य है, वस्तु की जो प्रचलित कीमत है, वस्तु का जो बाजार कीमत है उसका गुणा कर देंगे, तो कीमत का गुणा कर देंगे तो हमारी संप्राप्ति कितनी हो गई? 1000 × 200, तो कितना हो गया ये? 2 × 2 और 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, तो कितने रुपए आ गए हमारे पास? 2 लाख। कितने रुपए? 2 लाख। तो 2 लाख रुपए हमारी क्या कहलाएगी? कुल संप्राप्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये कुल संप्राप्ति। तो संप्राप्ति अर्थात किसी फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा यानी निर्गत की मात्रा को बेचने से जो उसको आय हो रही है उसको हम कहते हैं संप्राप्ति। क्योंकि सारी वस्तुओं को बेचने से जितनी आय हो रही है उसको हम कहेंगे कुल संप्राप्ति। तो संप्राप्ति के जो प्रकार हैं वो अपन देख लें। संप्राप्ति कितने प्रकार की होती है? एक तो होती है कुल संप्राप्ति, है ना, दूसरी हो गई औसत संप्राप्ति और सीमान संप्राप्ति। सीमान संप्राप्ति। तो संप्राप्ति के जो प्रकार हैं क्या हैं? कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमान संप्राप्ति। तो हम कुल संप्राप्ति, अभी आपको समझ में आया कि निर्गत की जितनी मात्रा बेची गई, निर्गत की समस्त मात्रा को बाजार कीमत पर बेचने से जो आय होती है उसको हम कहते हैं कुल संप्राप्ति। अब जैसे अभी कुल संप्राप्ति कितना आया था? 2 लाख रुपए, है ना। अब इसी तरह औसत संप्राप्ति अगर आपको निकालना हो, यहाँ पर आप देखें निर्गत की मात्रा, अभी हमने क्या लिया था उदाहरण, निर्गत की मात्रा कितनी थी? 1000 शर्ट, ठीक है, और प्रति इकाई कीमत कितनी थी? प्रति इकाई कीमत 200 रुपए, ठीक है। तो कुल संप्राप्ति कितनी आ गई? कुल संप्राप्ति आ गई 1000 × 200 = 2 लाख, ठीक है, 2 लाख रुपए। अब मान लीजिए कुल संप्राप्ति इतनी है, अब हमको क्या निकालना है? औसत संप्राप्ति निकालना है। तो औसत संप्राप्ति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बोलो कोई भी, औसत संप्राप्ति। औसत संप्राप्ति बराबर कुल संप्राप्ति के बटे निर्गत की मात्रा, है ना, निर्गत की मात्रा। यानी बात वही आ गई, कुल संप्राप्ति कितनी है यहाँ पर? 2 लाख, है ना, निर्गत की मात्रा है 1000, तो कितना आ गया? 200 रुपए। तो आप यहाँ पर देखो कि औसत संप्राप्ति जो है कितनी है? 200 रुपए है, और वस्तु की कीमत प्रति इकाई कीमत कितनी है? 200 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में जो औसत संप्राप्ति होती है वह वस्तु की कीमत के बराबर होती है। इसको हम बाजार कीमत कह सकते हैं। यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में जो औसत संप्राप्ति है वह किसके बराबर है? वस्तु की बाजार कीमत के बराबर, ठीक है ना, वस्तु की बाजार कीमत के बराबर। ये क्या है? बाजार कीमत, ठीक। इसी तरह हम सीमान संप्राप्ति को देख लें। अब सीमान शब्द, जहां पर भी सीमान शब्द आता है आपको मालूम है, निर्गत की मात्रा में अगर 1 इकाई की वृद्धि हो रही है, निर्गत की मात्रा में यदि 1 इकाई की वृद्धि हो रही है तो ऐसी स्थिति में कुल संप्राप्ति में कितनी वृद्धि होगी? कुल संप्राप्ति में कितनी वृद्धि होगी, यह कहलाती है सीमान संप्राप्ति। तो यहां पर इस उदाहरण में आप देख लो,
निर्गत की मात्रा 1060 प्रति इकाई कीमत 200 रुपये। अब हम एक शर्ट और बनाएं, यानी 1000 एक भी शर्ट बनाएं, तो एक शर्ट और बनाने से संप्राप्ति में कितनी वृद्धि होगी? एक शर्ट की कीमत कितनी है? 200 रुपये है, बोलो ना। एक शर्ट की कीमत कितनी है? 200 रुपये। अब 200 रुपये कम ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि हम बात किसकी कर रहे हैं? पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है, वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है, वस्तु की कीमत कम ज्यादा नहीं होती। तो जब आप निर्गत की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि करते हो, यानी एक शर्ट आप अधिक बना रहे हो, ऐसी स्थिति में आपकी जो कुल संप्राप्ति है, कुल संप्राप्ति में 200 की और वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर 200 रुपये और जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तो इस प्रकार जो सीमांत संप्राप्ति हुई वो भी कितनी हुई? सीमांत संप्राप्ति भी होगी 200 रुपये। ठीक है, और 200 रुपये क्या है? बाजार कीमत है। तो यहां पर एक बात देखो कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में क्या निष्कर्ष निकला, कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में औसत संप्राप्ति बराबर सीमांत संप्राप्ति है ना, सीमांत संप्राप्ति, और इसके बराबर फिर क्या है? कीमत। यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में किसी फर्म की जो औसत संप्राप्ति है वह सीमांत संप्राप्ति तथा कीमत के बराबर होगी। यानी औसत संप्राप्ति सीमांत संप्राप्ति किसके बराबर है? कीमत के बराबर। ठीक है, इसको हम एक जो संप्राप्ति कर्व है ना, संप्राप्ति वक्र, इसके रूप में हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण काय का लिया गया है? उदाहरण लिया गया है मोमबत्ती का। आप देख रहे हैं ना, मान लीजिए कि मोमबत्तियों का बाजार पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धात्मक है, यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार है, तथा मोमबत्तियों के एक डिब्बे का बाजार मूल्य कितना है? 10 रुपये है। इसमें आप देखें कि विक्रय किए गए डिब्बे और कुल संप्राप्ति, तो यहां पर आप देखते हो कि विक्रय किए गए डिब्बे, यानी जब निर्गत की मात्रा शून्य है, विक्रय किए गए डिब्बे, या हम इसको हम निर्गत लिख देते हैं, ठीक है, निर्गत की मात्रा और कुल संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति, निर्गत क्या है यहां पर? मोमबत्ती है, मोमबत्ती। अब शून्य, निर्गत की मात्रा शून्य है तो संप्राप्ति कितनी होगी? शून्य होगी। जब आपने माल बनाया नहीं तो बेचोगे क्या, है ना? अब आपने एक डिब्बा बेचा, निर्गत की मात्रा है एक, और एक डिब्बा कितने में बिक रहा है? 10 रुपये में। दो डिब्बे के कितने मिलेंगे? 20, तीन के 30, चार के 40, और पांच के कितने मिलेंगे? 50। तो यहां पर आप देखो कि जैसे जैसे निर्गत की मात्रा में वृद्धि होती है, वैसे वैसे कुल संप्राप्ति में भी वृद्धि होती है। तो इसको हम एक वक्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिसको हम कुल संप्राप्ति वक्र कहेंगे। यहां पर हमने वाई अक्ष में क्या लिया है? संप्राप्ति को, और इसमें हमने क्या लिया है? निर्गत की मात्रा। तो शुरुआत में आप देखिए, जब कोई फर्म क्या करती है? उत्पादन प्रारंभ करती है, तो जीरो से स्टार्ट करेगी, तो जीरो से वक्र प्रारंभ होता है, जीरो से ये प्रारंभ होगा। और जैसे जैसे आप निर्गत की मात्रा बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप राइट हैंड में जाओगे, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसको क्या बोलेंगे हम? कुल संप्राप्ति वक्र। ये जो कुल संप्राप्ति वक्र है, ये कैसा है? ये जीरो से स्टार्ट होता है और बाएं से दाएं ऊपर की ओर एक सीधी रेखा के रूप में जाता है। ठीक, क्यों जाता है? क्योंकि जैसे जैसे निर्गत की मात्रा में वृद्धि होती है, वैसे वैसे संप्राप्ति में भी वृद्धि होती है। तो इसलिए ये लाइन कैसी जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जा रही है, और दाई तरफ जा रही है, कुछ दाई तरफ जा रही है ना,
तो दाई तरफ जा रही है मतलब निर्गत की मात्रा में वृद्धि हो रही है, और ऊपर की तरफ जा रही है इसका मतलब संप्राप्ति में वृद्धि हो रही है। और ये जो तालिका है, ये तालिका हमको बताती है कि जैसे जैसे निर्गत की मात्रा में वृद्धि होती है वैसे वैसे कुल संप्राप्ति में भी वृद्धि होती है। ठीक, स्वाभाविक है कि आप जितनी ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी संप्राप्ति होगी, उतना ही माल आप बेच पाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि जो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में ये मान के चला जाता है कि आपने जितनी वस्तुओं का उत्पादन किया वो सारी वस्तुएँ बिक जाती हैं, ऐसा मानकर चलते हैं। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। व्यवहार में आप अगर किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो तो क्या होगा कि आप जितनी वस्तुएं बना रहे हैं, जितनी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, सारी की सारी नहीं बिकती, सभी चीजें बिक जाती हैं क्या? नहीं बिकती। ये हो गया कुल संप्राप्ति वर्ग। कुल संप्राप्ति बराबर पी गुणा क्यू। तो पी क्या है? प्राइस है, कीमत है। और क्यू क्या है? निर्गत की मात्रा यानी उत्पादन की मात्रा। तो हम कीमत का उत्पादन की मात्रा से गुणा कर देते हैं तो हमको कुल संप्राप्ति मिल जाती है। यहां पर आप देखिए, यहां पर हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? औसत संप्राप्ति। औसत संप्राप्ति, और औसत संप्राप्ति आप कैसे निकालेंगे? जैसे कुल संप्राप्ति निकालने के लिए हमने क्या किया? P गुणा क्यू, है ना। तो औसत संप्राप्ति बराबर, अब ये कुल संप्राप्ति है तो कुल संप्राप्ति में हम क्या करेंगे? निर्गत की इकाइयों से भाग कर देंगे। तो P Q के बटे Q, समझ में आया ना? कुल संप्राप्ति यानी P Q, P Q के बटे Q, Q अर्थात निर्गत की मात्रा। तो निर्गत की मात्रा से आप भाग कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देखिए, Q से Q कैंसिल हो गया, बराबर क्या आ गया? P। और P क्या है? कीमत है, है ना। तो यहां पर औसत संप्राप्ति को इस वक्र के माध्यम से दिखाया है। जब हम औसत संप्राप्ति याद करते हैं तो औसत संप्राप्ति जो होती है, निर्गत की प्रत्येक इकाई, निर्गत की मात्रा चाहे कुछ भी हो, कीमत कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहती है, यानी कीमत स्थिर रहती है। कीमत स्थिर रहती है इसलिए जो औसत संप्राप्ति वक्र होता है ये कैसा होता है? आधार रेखा के समानांतर होता है। औसत संप्राप्ति वक्र इसको क्या बोलेंगे? औसत संप्राप्ति वक्र। तो जो औसत संप्राप्ति वक्र है ये कैसा है? आधार रेखा के समानांतर है, तो इसको हम कीमत रेखा भी कहते हैं। चूंकि ये कीमत है इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको कीमत रेखा भी कहते हैं, या हम इसको सीमांत संप्राप्ति वक्र भी कह सकते हैं। क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में औसत संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति दोनों ही कीमत के बराबर होती है। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? सीमांत संप्राप्ति वक्र भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? सीमांत संप्राप्ति वक्र। लेकिन ऐसा किस कंडीशन में होगा? ये किस कंडीशन में है भाई? इसकी कंडीशन है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में ही औसत संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति दोनों ही कीमत के बराबर होंगे। ठीक है, तो आज के इस कालखंड में इतना ही। मिलते हैं अगले कालखंड में किसी नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।